केंद्र शासन के विकसित भारत संकल्प यात्रा मंगलवार को नगर पालिका निगम भिलाई के वार्ड 21 और 22 में पहुंची, जहां शिविर के माध्यम से आम जनमानस को विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण की गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा में जिन जिन योजनाओं में हितग्राही अपना पंजीयन करा रहे हैं, इसका लाभ बहुत जल्द उन्हें प्राप्त हो जाएगा। फिलहाल उज्ज्वला गैस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को शिविर में ही गैस चूल्हा और एक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। मंगलवार को वार्ड 21 और 22 में लगे शिविर में भी जिला के सांसद विजय बघेल उपस्थित हुए और उन्होंने शिविर में लगाए गए विभिन्न योजनाओं के स्टॉलों का निरीक्षण किया और जानकारी ली कि ये योजनाएं किस तरह से चल रही हैं और कितने लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला गैस योजना में महिलाओं और पुरुषों का रुझान ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए वार्ड की जनता इन शिविरों में बहुतायत मात्रा में उमड़ रही है। इन शिविरों में विशेष रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है, जिससे वार्ड की जनता लाभान्वित हो रही है। शिविर में मोदी की गारंटी और इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हितग्राहियों के वीडियो LED स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। शिविरों में फॉर्म भरने और योजनाओं की जानकारी देने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही वार्ड के जन प्रतिनिधि भी मौके पर उपस्थित रहकर केंद्र शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तत्पर है। मंगलवार को लगे शिविर की जानकारी जिले के सांसद विजय बघेल ने मीडिया को दी थी। साथ ही घासीदास नगर के छाया पार्षद निखिल सोनी ने भी इन शिविरों का बहुआयामी अच्छा प्रसाद मिल रहा है। आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक जगह नहीं है। हाउसिंग बोर्ड में जहाँ भाई नोहर वर्मा जी का वार्ड है, वहाँ पर नहीं, अभी हम लोग कुरुज से आ रहे हैं, वहाँ भी इसी तरह उल्लास और उमंग से लोग शिविर में आ रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ आ रहे हैं। हमारे मोदी जी का संकल्प है कि हम अपने भारत को 2047 में, जब देश की आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, इस भारत को आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, जो देश विकसित देश है उनकी श्रेणी में लाकर खड़ा करना है, ये हमारा संकल्प है। और इसीलिए नाम दिया है विकसित भारत संकल्प यात्रा। और यात्रा पूरे देश में चल रही है। मैं भी हर जगह जा रहा हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी जा रहा हूँ, शहरी में जा रहा हूँ, बिलमिदर जिला, गुरुंग जिला, सब जगह मैं अपनी भागीदारी निभाने जा रहा हूँ। यहाँ के पार्षद गण हैं, यहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सभी लोग इसमें लगे हैं। हमारे बुजुर्ग मोर्चा के भी लोग यहाँ पे लगे हैं और सब मिलकर इस उत्सव को उमंग से, उत्साह से लोगों के जन जन के हित के लिए कर रहे हैं। केंद्र से और राज्य से जो योजनाएं बनती है उसका पूरा पूरा लाभ लोग ले और अपने जीवन के स्तर को और ऊंचा बनाए। इससे जनता को काफ़ी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इससे हमारे भारत सरकार द्वारा एवं मोदी जी के द्वारा जितनी भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं, सभी के बारे में यहां पे लोगों को योजनाओं का डिटेल रूप से उन्हें बताया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जल्द से जल्द मिलेगा और मिलते ही आ रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत दिनों बाद मिलने वाला है कुछ है। फॉर्म भरेंगे, कुछ दिन बाद इनका लाभ चालू हो जाएगा। जी बिल्कुल, चिन्हित किया जाएगा जो पात्रता रखते हैं, उन्हें पूरी तरीके से लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आने वाले लोगों के से मैं यही अपील करूंगा कि जो भी शिविर लगना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का लाभ उठाएँ और फ़ायदा मिले सभी लोगों को और अपने आस पड़ोस भी बताएँ सभी को। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही कई बदलाव देखे जा रहे हैं और कुछ हद तक सरकारी महकमों की कार्य करने की शैली में भी सुधार देखा जा रहा है, जिससे प्रदेश की जनता भी खुश नजर आ रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।